आप सभी को राधे राधे। और मैं बरसाने से गोवर्धन की तरफ जा रहा था तो बीच में एक बाबा पे नज़र पड़ी। बाबा को आंखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन वो जल सेवा करते हैं। जितने यात्रीगण ज़्यादातर निकलते हैं इधर से, जिसको प्यास लगी होती है तो वो जल पिलाते हैं। आज उन बाबा से आप लोग का दर्शन कराते हैं और कुछ उनके बारे में पूछताछ करते हैं, कितने सालों से ये जल पिला रहे हैं, बस उनसे ही जानेंगे। तो आप सब देख सकते हैं, ये वही बाबा जी हैं जो बैठे हैं। इनके आंखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन कंटिन्यू ये देख सकते हैं। यहाँ पे दो मटका रखा हुआ है। जो भी भक्तगण आते हैं जिनको प्यास लगी होती है तो बाबा अपने लोटे से ये उनकी प्यास बुझाते हैं। तो ये कितने सालों से ये प्यास बुझाने के भक्तों के काम कर रहे हैं, तो आइए हम बाबा से बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। बाबा राधे राधे। राधे राधे बाबा। ये जल सेवा आप कितने सालों से कर रहे हैं? जल सेवा हमें 45-40 साल है गई जी। करते करते 12 महीना सुबह से शाम तक ठाकुर जी की यही ड्यूटी देनी, निसार से सेवा जी जी। 45-40 साल से यही सेवा चल रही है। बाबा आपके आंखों से तो दिखाई नहीं देता है? नहीं, आंखों से तो दिखाई नहीं देता है। ये आपका कब से ये है, बचपन से है कि जन्म से? ऐसे 4-5 साल के बच्चा थे जब चेचक में खराब हो गए जी जी। तो ये जल सेवा की व्यवस्था बनाई फिर हमने जब से, स्वर्ग संवारी है जब से जी जी। और यही ठाकुर जी की ड्यूटी देनी जी। आई में अपने दाल रोटी की व्यवस्था जैसे वो बनावे जैसे बनावे जी जी जी। तो ये आप 12 महीना आप ये जल सेवा करते हैं? हाँ, 12 महीना की सेवा, जल सेवा अपने हाथ से चलती है। गांव डारोली है, बरसाना रोड जी जी जी। तो बाबा आपको कैसे पता चलता है, कोई भक्तगण आते हैं तो आपको कैसे पता तो चलता है? अंदाज अनुभव के हिसाब से, मतलब सब अंदाज लग जाए नहीं कि ये जो रुको तो पानी पत्ता के लिए रुको है जी, तो यो करके अंदाज पड़ जाए। अच्छा, क्यों बहुत दिन आएंगे एक्सपीरियंस यही अंदाज से ही चलता है। कितने बजे आके सुबह थे ये समझो? सुबह कितने बजे आके? 8 बजे थे और जे गर्म मौसम में तो 8 से 8 चलती है। अच्छा, सुबह 8 बजे से रात्रि में 8 बजे तक? हाँ जी। सर्दी में ऐसी है कई एक आध घंटा लेट सेट चल जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो भक्तगण आप सब सुन सकते हैं, बाबा को 46 साल हो गया और इनके आँख से नहीं दिखाई देता है। और बाबा ये पानी आप लाते हैं कि कोई ला के धर जाता है? नहीं, पहले ये कि पानी अपने कुआ पे थे उलाए, बहुत दिन नल पे थे उलियो। अब पानी यहाँ नज़दीक में है ना, तो खारी है वो है, तो हमने दूर से व्यवस्था बनाई है पानी की। तो अपनो यहाँ ड्राम फ्राम भर लूँ फिर, मतलब भरवा लूँ फिर अपनो बाम से ड्राम में से छपटान ने भरतो रहूँ, भर भर के फिर पे बाम तो रहूँ। तो आप सब देख सकते हैं बाबा की कितनी निस्वार्थ सेवा है, ये 45 साल से कर रहे हैं ये निस्वार्थ सेवा। अगर कोई ऐसा भक्तगण है जो बाबा का सहयोग करना चाहता है तो मैं इनसे यहाँ का एड्रेस ले लेता हूँ और आते जाते इनका सहयोग कर सकते हैं आप। बाबा आप एड्रेस यहाँ का बता दीजिए। नहीं, ये गांव तो डारोली है, बरसान रोड है जी। सूरदास बाबा डारोली, नाम राम बाबू, 12 मासी प्याऊ जी। ये आप लोग अगर गोवर्धन से आ रहे हैं तो जैसे गोवर्धन से आएंगे तो एक गांव पड़ेगा पलसो गांव। पलसो गांव जैसे ही क्रॉस करते ही 2 किलोमीटर आप आगे आओगे बरसाने की तरफ पलसो गांव से, तो इनका जो प्याऊ है आप सब देख सकते हैं रोड के बिल्कुल जस्ट बाद में आएगी। अगर आप गोवर्धन के तरफ से आ रहे हैं तो इनका प्याऊ पड़ेगा आप लोगों को, बाएं साइड में प्याऊ पड़ेगा। तो आप लोग कभी भी आइए, इनके हाथों से जल पी के जाइए और इनका अगर जो भी श्रद्धा हो तो आप इनका मदद करके जाएं। बरसाना और पलसो के बीच में पड़ती है जी, बरसाना, पलसो और बरसाना के बीच में बाबा का प्याऊ है। तो आप आइए, इनके हाथों से जल पीजिए और इनकी हो सके तो मदद कीजिए। राधे राधे। और किसी को पूछ सकते हैं चाहे जो बता सके कि बाबा पानी जल पिवाते हैं कि यहाँ नहीं पिवाते हैं, किसी को पूछो गोवर्धन पलसो कहूँ पूछेंगे भाई अंदाज है जाए, वो बरसाने पूछेंगे तो बरसाने अंदाज बता देंगे लोग बाग यहाँ पिलाते हैं। मैंने यहाँ सुना था जी आप यहाँ पे जल पिलाते हैं, गोवर्धन की तरफ से आ रहा था तो सोचा आपसे मिलते हुए मैं चलूँ। अरे बिल्कुल, प्रेम की तो लीला ऐसी है भैया कि लीला ही नहीं आ रही है।
ठीक है बाबा, राधे राधे राधे।